तो लीजिए जी, जरदालू हम पहुंच चुके हैं। और आगे जो अंदर की खूबसूरती है, जो अंदर का व्यू है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और जरदालू की जो पुरानी पिक्स हैं वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर की जाएंगी, और उसके बारे में भी बताया जाएगा, जरदालू कब बना, कहाँ से दरियाफ्त हुआ, और यहाँ पे जो ट्रेन थी वो कहाँ से आती थी। तो सारी डिटेल आपके साथ जो शेयर की जाएंगी। तो वीडियो को आखिर तक देखिए, स्किप ना कीजिएगा, वरना आपको कुछ समझ नहीं आएगा। जी, ये आप देख सकते हैं, जैसे कि सामने ये जरदालू की मेन एंट्रेंस है, और यहीं से रेलवे ट्रैक बिछाया गया था। ये है जरदालू की पुरानी पिक, और ये ब्रिज बनाया गया था 1889 में, और इस ब्रिज का नाम दिया गया था लुइस मार्गरेट ब्रिज। और ये जो कुछ भी तामीरात हुई थी, ये हुई थी आज से 140 साल पहले। आप अंदाज़ा लगाएं, 140 साल पहले, अभी भी इसकी जो है बकायजात जो है मौजूद हैं। ये इस ब्रिज के थ्रू ट्रेन जो है इस टनल के थ्रू जो है बलूचिस्तान इंटर होती थी, और ये उस टाइम पे सबसे ख़तरनाक पुल या ट्रैक आप कहें इसको माना जाता था। इसको बनाने का जो मेन रीज़न था, जो मेन मकसद था, वो था पंजाब को क्वेटा के साथ अटैच करने का, मिलाने का, कनेक्ट करने का। तो उस टाइम पे यहाँ पे इन्होंने जो है ये ब्रिज बनाया था, और यहाँ से पंजाब से क्वेटा तक जो है रेलवे ट्रैक बिछाया गया था। इसके अलावा इसकी जो मज़ीद डिटेल है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से मज़ीद इसकी डिटेल जो है पढ़ सकते हैं और मज़ीद इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी टाइम लग गया, और भूख सख्त लगी हुई है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ चोली के नीचे आग जलाने की, और साथ ही आपको एक खूबसूरत व्यू भी दिखाता हूँ। और उस तरफ मैंने भाई के हैंडओवर कर दिए चिकन, टमाटर और बाकी चीज़ें, कि आप जब तक उनको काटे साफ़ करें, मैं यहाँ पर आग जलाने की कोशिश करता हूँ और आप सबको ये खूबसूरत व्यू भी दिखाता हूँ। इस जगह की खूबसूरती और इस जगह को देखने के बाद मैं आप सबको भी यही मशवरा दूंगा कि लाइफ में एक बार अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इस जगह को आए एक्सप्लोर करें और इस जगह की खूबसूरती देखें। वीडियो यहीं तक थी, तो वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर कीजिएगा, और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक मज़ीद अच्छी वीडियो के साथ, एक नई लोकेशन के साथ। तब तक दीजिए अल्लाह इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।